तो दोस्तों ये है टाटा मोटर्स की नई मैजिक वैन, जो कि बाई फ्यूल है, यानी कि पेट्रोल प्लस सीएनजी से ये चलती है। अगर आप अभी डीजल लेने के लिए जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि सरकार ने टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि आप किस्तें भरते भरते थक जाओगे, मेंटेनेंस खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो आज हम जो है मैजिक बाई फ्यूल यानी कि मैजिक सीएनजी का फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें इसके नए फीचर्स, माइलेज, अगर आप अभी इसको खरीदना चाहते हैं तो ऑन रोड कीमत क्या पड़ेगी, डाउन पेमेंट क्या देना होगा, ईएमआई ऑफर्स की पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले अगर हम इसके लुक की बात करें तो सेम ही लुक है, लेकिन ये जो है हार्ड टॉप मॉडल वाला आता है, इसमें आप पर्दे वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रंट में अगर हम बात करें तो इसमें जो है आंखों के शेप वाले बढ़िया से हेडलाइट देखने को मिल जाते हैं, ऊपर रिफ्लेक्टर पट्टी, मैजिक की बेजिंग जो है आपको देखने को मिल जाती है, वही ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है, जिसमें बीच में टाटा मोटर्स का बढ़िया सा लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ग्रिल में जो है आपको छेद मिलेंगे जिससे रेडिएटर वगैरह को हवा पहुँच जाए, और यहाँ पर जो है फॉग लैंप के लिए भी आपको जगह मिल जाती है। यहाँ पे जो है आपको एयर कर्टन देखने को मिल जाता है ताकि जो है इसमें गैस ना बने। ऊपर जो है आपको कुछ इस प्रकार की विंड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, सीएनजी का यहाँ पे टैग मिल जाता है, और यहाँ पर भी एयर कर्टन, कुछ इस प्रकार का जो है इसमें साइड मिरर देखने को मिल जाता है ताकि पीछे से आती हुई गाड़ियों को आप इजीली देख पाएँ। यहाँ पर सीएनजी की बेजिंग देखने को मिल जाती है ग्रीन कलर में, काफ़ी शानदार। इसमें अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 13 इंची के टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, 155R 13 इंची के रेडियल टायर मिलते हैं, 150 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है, सीएनजी की बेजिंग, और इसमें आपको जो है पत्ते कबाने वाला लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है सेमी इलेप्टिकल दोनों साइड में। यहाँ पे जो है सीएनजी आप भरवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, और इसको आप जो है लॉक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर जो है सीएनजी का पूरा जो इसका दिया गया है, कब इसको इंस्टॉलेशन किया गया है, और इसमें आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलता है जिससे आपको छिड़वाने की जरूरत नहीं है, और आरटीओ में भी ये पास मिलेगा। और यहाँ पे जो है 5 लीटर के इसमें पेट्रोल टैंक भी दिया गया है जो कि आप पीछे से भरा सकते हैं, और E20 यानी BS6 फेस 2 वाला मॉडल है। पीछे के लुक की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का इसमें आपको जो है देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको जो है ऊपर ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि सेम पुराने वाले ही डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं इसका बूट, और बूट में इसमें कोई ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसका सीएनजी टैंक दिया गया है। इसमें आपको जो है 30-30 लीटर के दो सीएनजी टैंक दिए गए हैं जो 11-11.5 kg के करीब होते हैं, टाटा मोटर्स का लोगो। और यहाँ पे पीछे आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, पीछे भी आपको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यानी पत्ते कबाने वाला सस्पेंशन मिल जाता है, जिसे आप रूरल एरियाज में भी इसको आराम से चला सकते हैं, और इसमें 10 सीटर पास है, लेकिन गांव देहात यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सवारी जो है 10 से ज़्यादा ही बिठाते हैं। फुट स्टेप इसमें आपको देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको जो है इसकी स्टेपनी देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 3790 mm की, लगभग 12 फीट 4 इंच, और चौड़ाई दी गई है 5 फीट के करीब 1500 mm, और हाइट जो दी गई है ना वो 1890 mm है, लगभग 6 फीट 2 इंच के करीब। 150 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको टाटा का 275 MPFI 04 694 cc का इंजन मिलता है, जो कि 18.4 kW यानी कि 25 HP की पावर और 49 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि 2000-3000 RPM पे। टर्निंग रेडियस सर्किल की अगर हम बात करें तो 8.6 मीटर का है, जो कि कोई ज़्यादा छोटा तो नहीं है, लेकिन लंबी वैन है तो ठीक ठाक इसमें आपको जो है टर्निंग रेडियस सर्किल मिल जाता है। अगले टायर से पिछले टायर की दूरी व्हील बेस मिलता है इसमें 2100 mm का। तो चलिए जी, अब चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं इसका केबिन और ड्राइवर सीट। तो अब हम आ चुके हैं टाटा मैजिक बाई फ्यूल यानी कि पेट्रोल प्लस सीएनजी के केबिन में। आपको ये नॉर्मल सी की मिलती है, बिल्कुल भी कोई रिमोट वगैरह नहीं मिलता। सबसे पहले अगर हम सीट की बात करें तो इसमें आपको जो है ड्राइवर समेत यहाँ पे 2 सीटर पास है, और बीच में भी थोड़ी एक छोटी सीट मिल जाती है जहाँ पे आपको सामान ही रख सकते हैं, हालांकि किसी को बिठा नहीं सकते। सीट जो है आपको रिक्लाइन मिलती है, यानी कि आगे पीछे आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है मैकेनिकल स्ट्रिंग मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, मतलब ऐसा पावर स्ट्रिंग नहीं है लेकिन पावर स्ट्रिंग की ही फील करवाता है। तो अंदर से आप ये इसका केबिन देख सकते हैं, जो कि लगभग सेम ही आता है, पहले भी अगर आप पेट्रोल लेते हैं उसमें भी सेम मिलता है, टाटा इसमें भी लगभग मैंने देखा है कि सेम ही मिलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें आता नहीं है। यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यूएसबी चार्जर, फास्ट यूएसबी चार्जर इसमें मिलता है, ये काफ़ी बढ़िया है, मोबाइल चार्जर में जरूरी होता है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, AFM रेडियो जो भी लगाना है आप लगवा सकते हैं, और यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं, सीएनजी में चलाना है तो आप सीएनजी में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकेबल ग्लो बॉक्स मिलता है, और इसमें आपको फर्स्ट एड किट जो है कंपनी की तरफ से मिलता है। इसमें आपको जो है 5 फॉरवर्ड स्पीड यानी कि 5 स्पीड मैनुअल गियर मिलेंगे, सिंक्रोमेस और एक जो है रिवर्स इसमें गियर देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसमें लेगरू मिल जाता है, और यहाँ पे आप स्टीयरिंग को देख सकते हैं, सीएनजी टाटा S 2.0 दिखाया था, सेम वही स्टीयरिंग इसमें मिलता है।
ये आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का लोगो मिल जाता है, हॉर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और वही कुछ इस प्रकार का इसमें आपको जो है डिजिटल क्लस्टर मीटर मिलता है, जिसमें आपको गियर शिफ्ट एडवाइजर भी मिल जाता है कि हाँ भाई अभी कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, और गाड़ी स्पीड के हिसाब से इसमें मांग भी लेती है, जिससे क्या है कि आपको अच्छा माइलेज मिलता है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिलती है, और ड्राइवर सीट के अलावा अगर हम बात करें तो एक तो ये को ड्राइवर वाली सीट, और यहाँ पे बीच में भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है। गियर लीवर है पीछे है, तो यहाँ पे आपको वॉक थ्रू केबिन मिल जाती है, आप उस साइड से भी उतर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो है एडजस्ट हेडरेस्ट मिल जाता है, जिससे आप लंबी राइड कर सकते हैं आराम से ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में। पीछे भी आपको जो है फायर सेफ्टी के लिए मिल जाता है, कोई पावर विंडोज फिलहाल इसमें देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे ऊपर जो है आपको केबिन लाइट देखने को मिल जाती है, ड्राइवर साइड में आपको सनवाइजर भी मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है इसमें आपको जो है केबिन देखने को मिलता है, और इसमें आपको एक आई सीएनजी की अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही इसका सीएनजी खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच हो जाती है, और इसमें आपको जो है सीएनजी के अलावा पेट्रोल का 5 लीटर का दिया गया है। कहीं पे सीएनजी स्टेशन नहीं है, आपको जो है इमरजेंसी के तौर पर आप उसको भी काम में ले सकते हैं, तो ये भी काफी बढ़िया है। चलिए चलते हैं पीछे वाली सीट दिखाते हैं। पीछे केबिन में आप दोनों तरफ जा सकते हैं, उस साइड से भी चढ़ सकते हैं और इस साइड से भी चढ़ सकते हैं, और आराम से आप देखेंगे तो ये लगभग इतना खुल जाता है और आराम से इसमें आप बैठ सकते हैं। और सीटिंग का कॉन्फिगरेशन कुछ इस प्रकार मिलता है, आगे ड्राइवर प्लस एक को ड्राइवर 2 सीट और 3 सीट यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पेस, मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, आराम से मैं बैठ चुका हूँ, और पूरा आप स्पेस देख सकते हैं, ठीक ठाक इसमें स्पेस मिलता है, यानी कि 3 पैसेंजर जो है आराम से इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा 2 पैसेंजर सामने बैठ सकते हैं, 3 और 2, 5 और 2 आगे, 7 पैसेंजर यहाँ पे और 3 पैसेंजर पीछे बैठ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेफ्टी के लिए मिलता है, और अगर आपको कुछ कैरी बैग या फिर बैग वगैरह कुछ थोड़ा बहुत सामान रखना है तो वो इसके नीचे रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से जो है एंटीबैक्टीरियल जो है मैट भी मिलता है, जिसको आप वॉश भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं, जिससे क्या है धूल मिट्टी या फिर आपके पैर अगर गिरे रहते हैं तो इसकी जो बॉडी है ना वो खराब नहीं होगी। और ये जो है हार्ड टॉप स्टील बॉडी के साथ में आता है, मेटल बॉडी के साथ में आता है, तो काफी मजबूत है, मजबूती का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको जो है ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, यहाँ पे डोर को आप ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से नोब दिया गया है, अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो फिर आपका डोर ओपन नहीं होगा, और इसको खोलने के लिए आप ऊपर कर सकते हैं। इसमें आपको 3 इमरजेंसी के तौर पे पैनिक बटन मिलते हैं, कई बार कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप इनको यहाँ से दबा सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैनिक बटन मिलेगा। तो 3 पैसेंजर सामने बैठ जाते हैं और 2 पैसेंजर यहाँ पे बैठ जाते हैं, और यहाँ पे पैसेंजर के लिए जो है हेडरेस्ट भी दिया गया है, जिससे क्या है कि पैसेंजर आराम से इसमें बैठ सकता है। तो 10 लोगों के बैठने की इसमें पूरी क्षमता दी गई है। पहले क्या होता है कि जो साइड ग्लास होते थे, साइड में पर्दे आते थे, तो उसमें क्या है कि वो खराब होने का डर रहता था या फिर बारिश से। अब जो है इसमें ग्लास मिलते हैं, तो आप आराम से अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप इनको आराम से खोल सकते हैं, इस दोनों साइड से खुल जाएंगे, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं और यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। कोई भी पैसेंजर वगैरह बैठता है तो आराम से हवा मिलती है और आराम से आप लंबी दूरी की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो अगर सस्ते में बात करें तो ये रूरल एरियाज में भी काफी सक्सेस है, क्योंकि पत्ते कमाने वाला सस्पेंशन मिलता है, माइलेज भी इसमें अच्छा मिलेगा। पेट्रोल में अगर हम बात करें तो 18 प्लस का माइलेज मिलता है, और सीएनजी में कंपनी की अगर हम माने तो 27.2 किलोमीटर चलती है पर केजी के हिसाब से। इसमें 11.5 केजी का इसमें सीएनजी टैंक मिलता है, तो इसमें आपको लगभग 300 केमी की रेंज इसमें कंपनी बता रही है। यहाँ पे जो है लाइट भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल। अब मैं चलता हूँ पीछे की ओर, तो भाई 3 पैसेंजर यहाँ पे पीछे की ओर बैठ सकते हैं, तो टोटल इसमें 10 पैसेंजर जो कि आरटीओ पास है इस वैन में बैठ सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस रेंज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं, ठीक ठाक इसकी प्राइस है। पेट्रोल प्लस सीएनजी में दोनों में चल जाती है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, पीछे यहाँ पर भी आपको जो है पैनिक बटन देखने को मिल जाता है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ से आप दबा सकते हैं, इससे क्या कि आपको हेल्प मिल जाएगी, तो ये काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको फुट स्टे भी मिल जाता है, जिसमें आप पैर रखकर आराम से इसमें चढ़ सकते हैं, ठीक ठाक इसमें आपको जो है लेगरूम मिल जाता है। नीचे अगर आप कुछ बैग वगैरह रखना चाहें तो आपको स्पेस भी यहाँ पे मिल जाता है। 2 साल और 72,000 किलोमीटर की फ्री वारंटी मिल जाती है, जिससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। पर 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करवानी है। पेट्रोल गाड़ी है तो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि 694 cc का है, तो इसमें इंजन मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि 3 पैनिक बटन मिलते हैं, और इसमें आपको अच्छा ब्रेकिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि इसमें आगे डिस्क और पीछे ड्रम और ABS विद EBD हाइड्रोलिक ब्रेक इसमें आपको जो है देखने को मिल जाता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। ग्रेडिबिलिटी की बात करें, यानी फ्लाई ओवर या फिर चढ़ाई लांगने की क्षमता की बात करें, तो पेट्रोल में 29.4% और सीएनजी में 26% की ग्रेडिबिलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और इसको आप अगर स्कूल वैन में लेना चाहें तो स्कूल वैन में भी ले सकते हैं, उसका भी हम जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। और अब आप जो है इसको डायरेक्ट सीएनजी पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो टाटा मैजिक बाईफ्यूल यानी कि पेट्रोल प्लस सीएनजी, इसकी एक शोरूम प्राइस है 7,82,000 रुपये। RTO इंश्योरेंस मिलाने के बाद ऑन रोड कीमत यानी कि 9,30,000 रुपये में कंप्लीट ऑन रोड।
और ये जो है वन टाइम टैक्स है, टैक्सी नंबर में है। अगर आप इसको पर्सनल में लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं, आप उससे बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें तो अभी चल रहे हैं नवरात्रा और सामने दिवाली भी आ रही है, तो अभी इस पे 20,000 रुपये का आपको ऑफर मिलेगा, तो आफ्टर डिस्काउंट इसकी ऑन रोड कीमत हो जाती है 9,10,000 रुपये, यानी कि 9,10,000 रुपये में कैश में इसकी कंप्लीट कीमत हो गई। अब बात करें फाइनेंस की, यानी कि कितना लोन हो जाएगा, आपको कितना डाउन पेमेंट देना होगा। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास पुराना पहले से बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब आपने किस टाइम पे भरी है, तो आप बिल्कुल कम डाउन पेमेंट देकर भी लेकर जा सकते हैं। बाकी नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसकी ऑन रोड कीमत का 85% तक लोन हो जाता है, तो 7,90,000 रुपये का फाइनेंस हो जाएगा, तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा 1,40,000 रुपये, यानी कि 1,40,000 रुपये के डाउन पेमेंट में इसको आप घर लेकर जा सकते हैं, अपना काम धंधा चालू कर सकते हैं, कहीं पर किराए भाड़े वगैरह में चला सकते हैं। और अगर हम EMI की बात करें तो फिर 7,90,000 का लोन होगा, तो 17,176 रुपये की 60 किस्तें बनेंगी, यानी कि 5 साल के लिए लोन होता है और ब्याज आपको देना होगा 2,40,590 रुपये। अब आप चाहते हैं कि भाई EMI थोड़ी छोटी आनी चाहिए क्योंकि 17,000 थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो फिर आपको थोड़ा डाउन पेमेंट ज्यादा करना होगा। आपको जो 9,30,000 रुपये है उसमें लगभग 3,00,000 रुपये तक अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो फिर लोन बैठता है 6,30,000 रुपये का, तो उसमें 13,697 रुपये की 60 किस्तें बनेंगी, ये भी 5 साल के लिए, और 1,91,863 रुपये का आपको ब्याज देना होगा। यानी अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट दे सकते हैं तो EMI भी छोटी बनवा सकते हैं। और इसमें अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यही नॉर्मल आपको KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और अगर आप टैक्सी वगैरह में चलाते हैं तो आपको एक गारंटर की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको टाटा मैजिक खरीदना है, चाहे पेट्रोल हो या फिर CNG डीजल, तो फिर हमें कमेंट करके बताएं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया है, तो आप उन पे भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये था टाटा मैजिक पेट्रोल प्लस CNG, और जल्दी हम इसका माइलेज भी टेस्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको स्कूल वैन के बारे में जानकारी चाहिए या फिर विंगर के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। टाटा मैजिक की पॉपुलैरिटी की बात करें तो गांव में इसके बहुत बढ़िया डिमांड है, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए या फिर स्कूलों में लगाने के लिए, लेकिन लोग बाग ज्यादा अभी पुराने वाले को ही खरीदना पसंद कर रहे हैं, नए खरीदने से कतरा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से टाटा मैजिक पेट्रोल प्लस CNG एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस भी ठीक है और इसको आप लंबे समय तक चला सकते हैं, पहले की बजाय अच्छा पावर मिलेगा, मेंटेनेंस कम आएगा,